अब तक आपने देखा मिर्जा याकूत पर इल्जाम लगाता है। ये यहाँ क्या कर रहा था? हमें इस फिरोजी महल का नक्शा दिया गया था ताकि यहाँ के सारे खुफिया रास्ते और जगहों से वाकिफ हो सके। आप चलिए हमारे साथ। उधर याकूत, मीठी इश्क की डाली में हमने नफरत का जहर ना घोल दिया तो हमारा नाम जमालुद्दीन याकूत नहीं। और रजिया को साफ दिखता है, लेकिन मिर्जा रजिया से कहता है, ये क्या हो गया है आपको? हर जगह सांप ही सांप नजर आ रहे हैं। अब आगे ये कोई बात होती है? मिर्जा हमारी किसी बात का यकीन ही नहीं कर रहे, उल्टा हमारा ही मजाक उड़ा रहे। एक नहीं, दो नहीं, पूरी तीन बार सांप देखा है तो क्या हम बातें बना रहे? सुनिए, आप सब कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। हुलिया तो हूबहू वैसा ही है। किसने बनाई ये तस्वीर? शहजादी रजिया ने। वो भी मिर्जा की मदद कर रही है उसे ढूंढने में। चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन आसमान एक कर दो, महल का चप्पा चप्पा छान मारो, इससे पहले कि मिर्जा की निगाह इस औरत पर पड़ जाए, हमें इस औरत को अपनी हिरासत में लेना होगा। रही बात रजिया की, वो सुल्तान बनने के अगले मुकाबले में बहुत मसरूफ होने वाली है, उसे इन बातों के लिए वक्त नहीं मिलेगा। सल्तमश ने तो निगरानी बढ़ा दी है, अब उस तक पहुंचना नामुमकिन सा हो गया है। अम्मा, अम्मा, हम जरा जल्दी में हैं। वालिदा ने याद फरमाया है, क्या आप ये शरबत सूबेदार के कमरे में रखाएंगी? सूबेदार? कौन सूबेदार? लगता है आप नई हैं, नहीं तो भला सूबेदार को कैसे नहीं पहचानती? सूबेदार सुल्तान के होने वाले दामाद और शहजादी रजिया के होने वाले शौहर हैं। अम्मा, मियाँ कैसे आशिक हो तुम यार? महबूबा तुम्हारी तुमसे रूठ गई है और तुम उन्हें मना भी नहीं रहे। कुछ ऐसा करो मियाँ कि उनके लबों पे हंसी खिल उठे। खुदा तुम्हारा तुमसे रूठ गया और तुम सजदे भी अदा ना करो, ये तो कोई बात नहीं हुई। इल्तुतमिश की जान रजिया में अटकी है और रजिया की जान मिर्जा में। सुल्तान नसफी, उसका दामाद मिर्जा।
उसके सीने में अगर मैं ये खंजर उतार दूं, तो इल्तुतमिश भी दिल मिला उठेगा, जैसे मैं अपने बेटे के लिए तड़पती रहती हूँ, वो भी अपने बेटी की दर्द को देखकर तड़पेगा। खुशबू से आपका और हमारा बहुत पुराना नाता है शहजादी। जो बात जुबान ना कह सकी वो महकते खुशबुओं ने दिल से कह दी। जो सच दिल दुखाए उससे बेहतर वो झूठ है जो चेहरे पे महबूब के रौनक लाए। देखिए मोहतरमा, आपका दिल दुखाने का हमारा इरादा नहीं था। अगर हमसे कोई खता हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। हमने सांप देखा था पर आपको इसलिए नहीं बताया था कि आपको डर ना लगे। जितना हम मिर्जा को जानते हैं, मिर्जा ऐसे नहीं है। बात यकीन की तो है ही नहीं। हो सकता है मिर्जा ने भी सांप को देखा हो और वो हमें इसलिए ना बता रहे हो कि हम डर जाएंगे। हाँ, यही वजह हो सकती है। नहीं मिर्जा, ये ठीक नहीं है। पर मियां, झूठ बोलने की जरूरत क्या है? तुम्हारा और शहजादी का रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि एक छोटी सी सच्चाई ना बोली जा सके। और सच तो ये है मोहतरमा कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये दिल नमाजी है आपका, ये धड़कनें सजदा करती हैं और हर सांस पे आपका नाम लिखा है। ये जिंदगी भी आपकी और ये बंदगी भी आपकी। आपकी बात का यकीन ना करें, आप पे एतबार ना करें, भला ऐसा भी कभी हो सकता है मोहतरमा? हमारी खता माफ कर दीजिए। खुद से भी ज्यादा यकीन करते हैं आप पे मिर्जा, एक पल भी आपसे दूर नहीं रह सकते। दोबारा हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे मिर्जा, कभी मुंह मोड़ कर आपसे दूर नहीं जाएंगे। हमारी खता को माफ कीजिएगा। Thank you.
हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई था यहाँ पे? शायद मौसम ही कुछ नागवार है जो हमें किसी के होने का एहसास दिला रहा है। ले कब किसके झोली में क्या भरते? ये मेरा बच्चा, मेरा अपना खून, मेरा बेटा, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। सत्य जाऊ मैं अपने बेटे के, इसकी जान लेने पर तुली हुई थी मैं। अरे अरे इसे तो मेरी भी उम्र लग जाए। तमाशा देखने की हसरत हो तो हमारे साथ हमाम में आ जाइए। ऐसा तमाशा दिखाएंगे कि तबीयत खुश हो जाएगी। क्या सोच रहे हैं मीजान? चलिए ना, तमाशा भी है और तमाशबीन भी, चल के लुफ्त उठाते हैं। सुनिए, शहजादी रजिया कहाँ? हमाम में है हुजूर, थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं ना उन्हें मनाने। तो रजिया की आवाज है।
सांप।